सबसे पहला एलिगेशन तो यही है कि एक वल्नरेबल एरिया में दो लेडीज़ को भेजा जाता है, और मुझे ये लगता है कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी रही है। और जो दूसरी बात है, दैट इज़ पर्टेनिंग टू द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ द नेशन, अ प्लेस विच इज़ द बेस एंड टैक्टिकल हेडक्वार्टर ऑफ द फॉरवर्ड पोस्ट्स, वहाँ पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो काम नहीं करते हैं, तो वो ऑल द मोर इट्स अ बिगर कंसर्न। और मेरी यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आपके मीडियम से, कि आप जो मैं आपको फैक्ट्स दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही आप इनको सच मानिए, ये मैं आपको फैक्ट्स दे रही हूँ जो मेरे साथ गुजरे हैं, जो मैंने खुद बिताए हैं, आप इनके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाइए, और जो इंक्वायरी है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करें, और हो सके तो एक लेडी ऑफिसर करें, और फिर पूरा रिकॉर्ड समन किया जाए वहाँ पर, फिर मैं विद एविडेंस सारी बात सामने लेके आऊँ। I was not posted there. I was sent on attachment for a visit there. Yeah. Visit there. So do you think that borders are prepared for the leading officer? Facts are speaking for themselves. No, not at all. आप मेरी एक और भी दरख्वास्त है सरकार से कि एक discreet inquiry कराई जाए, जो औरतों की इस force में हालत है उसके ऊपर एक discreet inquiry कराई जाए। बहुत सारे skeletons will pop out. एंड मैंने आपको पहले भी बताया, फोर्सेस के साथ लंबा एसोसिएशन रहा है मेरा, एयरफोर्स के साथ है, आर्मी का मेरे साथ रहा है, वहाँ पर ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का केस होते हैं, तो दे टेक दी कॉग्नाइजेंस ऑफ इट एंड दे सी टू इट कि कल्परेट इज पनिश्ड राइट देयर, पर हमारे केस में अभी तक नो कॉग्नाइजेंस हैज बीन टेकन। मैं दोनों चाहती हूँ, एक तो जो मेरा केस है, बिकॉज सम हाउ आई फील, क्योंकि जब मैं फैक्ट्स को जोड़ती हूँ कि उस रात किसी ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, फ़ोन चल क्यों नहीं रहे थे, कोई किसी ने ये गनीमत नहीं समझी, इनकी जो बटालियन है मलारी से 50 किलोमीटर जोशीमठ है, इनको रात को 2 बजे पता चल गया था ये हादसा हुआ है, दे कुड हैव सेंट अ व्हीकल फ्रॉम देयर, ये सिविल, ये दीज आर IPS, सीनियर IPS पीपल, दे कुड हैव स्पोकन टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दे कुड हैव स्पोकन टू द लोकल पुलिस एंड दे कुड हैव गॉट अस आउट फ्रॉम देयर। इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठे, और बाकी जो जनरल कंडीशन वहाँ औरतों की है उसके ऊपर एक अलग से डिस्क्रीट इंक्वायरी बैठे, ये मेरी मांग है। और जो क्रिमिनल केस आपने किया, हाँ जी, हाँ जी, उसकी डिटेल में बताइए। FIR की मैंने कॉपी आपको दी है, अभी मेरे को मेरी IO से बात हुई थी तो मेरे को पता चला है कि चलान पेश हो गया था जुलाई में, एंड आई एम वेटिंग फॉर द समन्स फ्रॉम द कोर्ट। मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं अपने केस के बारे में, जो आपकी FIR भी, क्या आपकी शिकायत थी? मेरी FIR में जो मेरी FIR थी, दैट पर्टेन टू दी कॉन्स्टेबल ओनली, कि जो हमारे साथ हादसा हुआ है उस रात, कि एक कॉन्स्टेबल है वो विद दी इंटेंट टू रेप क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, सेक्चुअल असॉल्ट करता है हमारे पास और हमारे कमरे में आया है, जो FIR थी मेरी वो वहाँ तक थी, और उसकी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, हमारे 164 में बयान हुए हैं मेरे और लेडी डॉक्टर साहिबान के, और अभी कोर्ट में वो मामला चला गया। मेरा रेजिग्नेशन का जो कारण है बेसिक, यस, इमीडिएट कारण मेरा यही था, जहाँ पर मेरा मान इज्जत सिक्योर नहीं है, कल को मेरी बेटी है वो बड़ी हो रही है, और मैं देख रही हूँ वहाँ पर औरतों के साथ क्या क्या हो रहा है इन सर्विस, जब मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ तो जो मेरे साथ किया गया है वो मैंने आपको बताया है, तो आई वॉन्टेड टू फाइट फॉर दी वुमेन एंड सो दैट वी कैन प्रिपेयर दी सोसाइटी फॉर आर डॉटर्स। मैं एक बेटी की माँ हूँ, मेरे को लगता है ऐसी अफसरी से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, अगर औरतें कहीं कहीं अपने आप को झंझोड़ के, अपने आप से लड़ाइयाँ कर करके नौकरी में अफसरी कर रही हैं, इट्स टाइम वी शुड गेट आउट एंड फाइट फॉर आवर राइट्स। ये इसके ऊपर कल को इंक्वायरी बैठे और वो खुद निकालें, मेरा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ बात एविडेंस के साथ सामने आए। जो हमारी FIR है वो हमारी दोनों की तरफ से थी, हाँ जी, जॉइंट FIR थी। वो मेरी शी विल बी इन बेटर पोजीशन टू टेल दैट। इसकी शिकायत आपने सीनियर को दी तो उनको क्या रिस्पॉन्स मिला? मेरे को किसी ने पूछा तक नहीं, मेरे को पानी का ग्लास नहीं पूछा गया, जब मैं बटालियन में भी पहुँची हूँ, जब मैं पहुँची हूँ अपने यहाँ पे चंडीगढ़ में भी पहुँची हूँ, DGP के पास पहुँची हूँ, डायरेक्टर जनरल के पास, तो कोई हमदर्दी नहीं थी, इनफैक्ट वो उल्टा मेरे से पूछ रहे थे कि आप क्या करने आए हो, और मैंने पहले भी रिपीट किया है, मिस्टर नीलम किशोर IPS IG नॉर्दर्न फ्रंटियर, ही वॉज दी ओनली पर्सन
हु वॉज अपोलोजेटिक और जिन्होंने हमसे हमदर्दी जताई है, और उनको देख के मेरे को ये लगा था कि हाँ ये फोर्स अथॉरिटीज़ हैं, ये हमारी मदद करेंगी। पर उनके अलावा कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने आज तक भी मेरे से, मैंने रेजिग्नेशन भी दे दिया, आज तक भी मेरे से पूछ रहा हूँ, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। मैं कोई सब्जेक्टिव कमेंट्री नहीं की थी, मैं यहाँ पर भी नहीं कर रही, मैं प्योर फैक्ट्स बता रही हूँ। मैं आपको भी यही कह रही हूँ, इनको सच मत मानिए। मैं ये चाहती हूँ कि आपके थ्रू, आपके मीडियम से मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, और उसमें जो इंक्वायरी जो है वो आईटी की अथॉरिटीज नहीं करें, सरकार किसी बाहर की एजेंसी से कराए, और कोशिश करें कि वो एक लेडी ऑफिसर से इंक्वायरी कराई जाए, और फिर वहाँ पर उनका रिकॉर्ड सामने हो। आज मेरे पास बहुत चीज़ें ऐसी हैं, मेरे पास उनका एविडेंस है, बट बीइंग अ लीगल प्रोफेशनल आई होप इट इज़ नॉट प्रोसीजरली करेक्ट फॉर मी कि मैं वो आपको यहाँ पे दूँ या दिखाऊँ। एक प्रॉपर अथॉरिटी बैठे जो इंक्वायरी करे, और सरकारी रिकॉर्ड सामने हो, वहाँ से वो बातें निकलें, और जो कुछ मैंने आपको लिख के दिया है या बताया है, दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत कुछ और निकलेगा अंदर से, बहुत कुछ दबा पड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि ITBPF जो है, इनका एक ITBPF एक्ट है जिसके अंडर इनके पास बहुत पावर्स हैं। दे हैव पावर, सजाए मौत देने की पावर है इनके पास, बाहर जो है सेशन कोर्ट देती है। यहाँ पर लीगली इलिटरेट पीपल, नॉट जस्ट लीगली लिटरेट, लिटरली इलिटरेट इन एवरी सेंस पीपल, दे हैव द पावर कि बंदे को वो सूली पर टांग देते हैं। दूसरा, जो बंदा यहाँ पे बंद जाता है उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि RTI जो है वो लागू नहीं होती है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट RTI में यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। सो दे हैव वन टीम पास विच दे मिस यूज। एंड यस, आफ्टर दिस इंसिडेंट अलॉट मैनी वेमेन लेडी कॉन्स्टेबल्स दे हैव कम टू मी, उन्होंने मेरे को अपनी स्टोरीज बताई हैं, जो मैं यहाँ बताना मुनासिब नहीं समझूंगी क्योंकि वो उनकी स्टोरीज हैं। दे आर स्टिल इन सर्विस बट सिचुएशन इज वेरी बैड, एंड द डॉटर्स ऑफ नेशन दे आर नॉट सेफ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू दिस टीम प्रेस, इसके लिए आप स्टेप्स लीजिए और इंक्वायरी कराइए, और बहुत कुछ निकल के आएगा। डे आफ्टर टुमारो इज देयर रेजिंग डे एंड दे विल बी सेलिब्रेटिंग इट इन न्यू दिल्ली। वहाँ पर इनका एक वुमेन कंटिंजेंट चलता है जिसमें ये महिलाओं को वर्दी पहना के शोकेस करते हैं, दिखाने के लिए कि कितना वुमेन एम्पावरमेंट है। पर इस पर मैं अनादर से टिप्पणी करूँ, आप लोग जाके एक बार उन लेडीज से पूछ लीजिए कि वो जो 15 मिनट वहाँ पर जब चली हैं उसके पीछे का इतिहास क्या रहा है। आई हैड बीन आस्क्ड लास्ट टू लास्ट ईयर वो महिलाओं का परेड कमांडर बनने के लिए, आई हैड गॉन देयर एंड सम ऑफ द लेडीज वर्चुअली दे टोल्ड मी कि मैडम वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड, हमारे 6 महीने हो गए हैं, बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, हमें बाहर भी निकलने दिया जाता है, छुट्टी नहीं है, और ये जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है इसकी तो इंक्वायरी होगी तो बातें खुल के सामने आ ही जाएंगी। या दूसरी कोर्ट में डालने का विचार भी रखते हैं? वो मैंने मीडिया के थ्रू मैंने डाला हुआ है सर, वो FIR मैंने खुद ही लॉन्च कराई है, चालान पेश हो चुका है।